Welcome to Biomechanics Coach. So I'm your biomechanist Dr. Anshum Lothra, and इस वीडियो में आपको आज पता चलेगा तीन बातें कि सबसे पहले बायोमैकेनिक्स है क्या, नंबर टू इसकी इम्पोर्टेंस क्या है स्पोर्ट्स के अंदर खासकर, नंबर थ्री इंट्रोडक्शन दी जाएगी कैसे हम ये सब कर पाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो अभी आपको कुछ सेकंड में पता लगेगा, और नंबर चार रेफरेंस टर्मिनोलॉजी कौन सी भाषा, जैसे हर एक चीज़ को आपस में इंटरेक्ट करने के लिए कोई भाषा का हम सहारा लेते हैं, उसी तरह हमारे यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ टर्म्स होती हैं बायोमैकेनिक्स में, कुछ रेफरेंस सिस्टम होता है जिसकी मदद से हम बता पाते हैं कि कौन सी मूवमेंट कौन सा खिलाड़ी कर रहा है, कंपेयर कर पाते हैं, तो वो आपको पता लगेगा। इन सब का आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही एंटरटेनमेंट और इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाऊंगा। आप चलते हैं, कोई भी मूवमेंट करते हैं, पैदल चल रहे हैं, इसमें बायोमैकेनिक्स इन्वॉल्व है। आप बैठे हुए हैं किसी पॉस्चर में, इसमें भी बायोमैकेनिक्स इन्वॉल्व है। आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, आप एथलीट हैं, खिलाड़ी हैं, इसमें भी बायोमैकेनिक्स इन्वॉल्व है। आप दौड़ते हैं, स्प्रिंटर हैं, इसमें भी बायोमैकेनिक्स इन्वॉल्व है। आप कोई भी मूवमेंट करते हैं, हर एक मूवमेंट में बायोमैकेनिक्स का यूज है, चाहे बैठे हैं, चाहे आप दौड़ रहे हैं, चाहे आप जंप लगा रहे हैं, हर एक में एक टेक्निक है जो कि बायोमैकेनिक्स को प्रोवाइड करवाता है। आप घर पे वर्कआउट कर रहे हैं, इसमें बायोमैकेनिक्स इन्वॉल्व है। आप जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, शोल्डर प्रेस, कई तरह के वर्कआउट्स करते हैं, इसमें बायोमैकेनिक्स इन्वॉल्व है। आप कई तरह की गेम्स हैं, सब में बायोमैकेनिक्स इन्वॉल्व है आपके सामने है। तो हर एक मूवमेंट में बायोमैकेनिक्स इन्वॉल्व है। आप खिलाड़ी एक सुपर कार की तरह हैं, क्यों? क्योंकि ये भी हाई परफॉर्मेंस की गाड़ियों की तरह हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे गाड़ी में इंजन है और ड्राइवर अंदर बैठा हुआ अगर जानता है फिजिक्स के लॉ, तो वो गाड़ी की परफॉर्मेंस ले पाएगा। अगर उसको नहीं मालूम है कब ब्रेक लगाना है, कब एक्सीलरेशन देना है, तब वो बड़े से बड़ी गाड़ी का इंजन को भी बर्बाद कर देगा और इंजन ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो रिजल्ट आपके सामने है, अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो एक्सीडेंट इज इन फ्रंट ऑफ यू। उसी तरह अगर हम अपने डे टू डे लाइफ में, हम अपनी मूवमेंट्स में, अपनी गेम्स में बायोमैकेनिक्स को इन्वॉल्व करें, तब कोई भी आप मूवमेंट करें वो आपको चोट नहीं लगने देगी और आपकी परफॉर्मेंस को डेफिनेटली बढ़ाएगी और गोल्ड मेडल आपके हाथ में होगा। ये इंपॉर्टेंस है बायोमैकेनिक्स की। तो दो मेन एम है बायोमैकेनिक्स के हर एक एस्पेक्ट में। पहला आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाना और दूसरा आपके इंजरी के रिस्क को कम करना, क्योंकि जैसे ही आपका इंजरी का रिस्क कम होगा आपकी लाइफ टाइम गेम में ज़्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एक समरी की है कि बायोमैकेनिक्स क्या है। बायो प्लस मैकेनिक्स इज बायोमैकेनिक्स, यानी हम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल यूज करके ह्यूमंस के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करते हैं। तो अब आपको पता लग गया बायोमैकेनिक्स है क्या। बेसिकली हम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स यूटिलाइज करते हैं, मैकेनिक्स क्या है फिजिक्स है, और उसको अप्लाई करते हैं अपने इंजन पे। जैसे मैंने आपको बताया एथलीट्स सुपर कार्स की तरह हैं, फिरारी अलग अलग मॉडल हैं, क्योंकि हम सब अलग हैं, जैसे आपको क्लियर हो ही गया। तो बायोमैकेनिक्स क्या करता है कि आपको लॉज प्रोवाइड करता है। अगर जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह आपको अपनी मशीन, अपनी ह्यूमन बॉडी को चलाना है। जैसे आप वहाँ लॉज को फॉलो करते हैं, प्रॉपर टाइम पे ब्रेकिंग करते हैं, प्रॉपर टाइम पे एक्सेलरेशन देते हैं, उसी तरह आपको बॉडी को चलाना है। अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। तो ओवरऑल बायोमैकेनिक का सबसे बड़ा गोल क्या है? नंबर वन आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाना, नंबर टू चोट का डर, इंजरी। अब इंजरी दो तरह की होती है मेरे फ्रेंड्स, एक होती है कॉन्टैक्ट से, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका कॉन्टैक्ट होना ही है, टक्कर होनी है, तो इंजरी होकर रहेगी। लेकिन जब आप अपने खुद की गलती से इंजरी करते हैं, वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और काफ़ी इंजरीज स्पोर्ट्स में, खेलों में अपनी गलती की वजह से होती है।
बायोमैकेनिक्स आपके विजन को एनहांस करता है, जो चीज़ें आंखें नहीं देख पाती वो बायोमैकेनिक्स आपको दिखाता है। अब देखिए, जैसे दो लोग सेम चीज़ कर रहे हैं, हैवी वेट उठा रहे हैं, लेकिन जो लेफ्ट साइड पे हैं वो सही बायोमैकेनिकल टेक्निक यूज़ करते हुए अपने बड़े मसल्स यानी ग्लूट्स को, काफ्स को यूज़ कर रहे हैं और एक सही टेक्निक कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, जो राइट साइड पे हैं वो अपने शोल्डर, सेंसिटिव एरियाज को, स्पाइन को यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी डेफिनेटली इंजरी होने वाली है। तो इस तरह से बायोमैकेनिक्स आपके विजन को बढ़ा रहा है, और डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड पे बायोमैकेनिकल करेक्शन की गई है। इनको मालूम है बायोमैकेनिक्स, एंड ही इज ए सक्सेसफुल एफिशिएंट एथलीट। उसी तरह आपको बनना है, यही मैसेज है इसमें कि बायोमैकेनिक्स अगर आप जानते हैं अपनी, तो आप डेफिनेटली सही काम, सही फिजिक्स के लॉ से गाड़ी चलाएंगे और अच्छी परफॉर्मेंस पाएंगे विदाउट एनी रिस्क ऑफ इंजरी। अब हम सब अलग अलग हैं, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई हैवी वेट है, कोई लाइट वेट है। कहने का मतलब है कि हम सब डिफरेंट हैं, हम सब के बॉडी पार्ट्स, बॉडी सेगमेंट्स डिफरेंट हैं। उसी तरह हम सब की बायोमैकेनिक्स डिफरेंट है, हर एक को इंडिविजुअल करेक्शन चाहिए। हर एक की गेम अलग है, हर एक की बॉडी टाइप अलग है। आप देख सकते हैं वैरायटी भगवान ने बनाया है, कोई लंबा कोई छोटा, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है कि सभी ये बॉडीज फिजिक्स के प्रिंसिपल को मानती हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि हर एक की इंडिविजुअल टेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि एक में अगर स्ट्रेंथ की कमी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे में भी स्ट्रेंथ की कमी हो, हो सकता है दूसरे में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी हो। तो बायोमैकेनिक्स एक पर्सनल मेडिसिन की तरह है कि हर एक को इंडिविजुअल टेस्ट करके ही आपको ट्रीटमेंट देना है। यानी ट्रीटमेंट कैसे देंगे हम, वर्कआउट के दिशा में। तो इसलिए बायोमैकेनिक्स एक पर्सनल मेडिसिन की तरह इंडिविजुअलाइज साइंस है। ये आपको बताती है आपको क्या चाहिए, और फिर आप वो जब ट्रेनिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है और चोट लगने का डर और रिस्क कम होता है। अब किसी को ये फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, किसी को स्ट्रेंथ चाहिए, तो ये आपको पता कैसे लगेगा, ये आपके बीच में सवाल ला रहा होगा। तो वो पता लगाने के लिए कोई भी गेम हो, चाहे हर एक गेम के खिलाड़ी हमारे यहाँ आते हैं और अपना टेस्ट करवाते हैं। आपको एथलीट होना है तो उसके लिए हम करते हैं टेस्टिंग, बायोमैकेनिक्स टेस्ट, जो आप देख सकते हैं। अब एक बहुत ही बढ़िया बात बायोमैकेनिक्स टेस्ट की है कि ये टेस्ट बहुत ही सिंपल हैं, ईजी टू डू हैं, और खिलाड़ी इसको करते हुए बहुत आराम से इसको परफॉर्म कर पाते हैं और रिपीट कर पाते हैं और अपने आप को करेक्शन करवा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टेस्ट में जंप इन्वॉल्व होती है, जैसे ये जंप कर रहे हैं, एक जंप टेस्ट है, इसको ड्रॉप जंप कहा जाता है, और ये फोर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर जंप करते हैं। इससे हमें इनकी एजिलिटी, रिएक्टिव इंडेक्स सबका मालूम पता है। ये काउंटर मूवमेंट जंप टेस्ट है। तो ये आपको मैं थोड़ा थोड़ा एग्जांपल बता रहा हूँ कि किस तरह के टेस्ट हमें मिलते हैं इन सब टेस्ट से। और ये एक एडवांस 3D मोशन लैब है, जिसमें आपके फ्यूचर की, मतलब जो प्रडिक्शंस भी हम कर पाते हैं कि अगर आप इतने एंगल पर ये लेग वगैरह का मूवमेंट करेंगे तो आपको कोई इंजरी तो नहीं होगी, आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो ये एडवांस टेस्ट हैं, ये आपकी मूवमेंट पैटर्न्स को इम्प्रूव करते हैं, आपके इंजरी के रिस्क को कम करते हैं और आपकी परफॉर्मेंस को डेफिनेटली बढ़ाते हैं। तो मैंने आपको इसमें सिंपल से लेकर एडवांस तक सभी आपको टेस्ट के दर्शन करवा दिए हैं, और इन सब का एम यही है कि आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाना और आपकी इंजरी के रिस्क को कम करना। तो बायोमैकेनिकल टेस्ट से हमें आपकी पूरी एनालिसिस होती है। अब आप अगर अपन बायोमैकेनिक्स जान जाएंगे, आपके सामने सचिन तेंदुलकर हैं, बहुत ही यंग एज में इनको अपने बायोमैकेनिक्स यानी अपनी एबिलिटीज़ और स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता था, तो उसी अकॉर्डिंगली ये वर्कआउट करते थे अपने शोल्डर्स के, रिस्ट के ऊपर, क्योंकि ये काफ़ी हैवी बैट यूज़ करते थे। अब इसमें भी एक बायोमैकेनिक्स है, उसमें हम नहीं जाएंगे ज़्यादा डिटेल में, इम्पैक्ट बायोमैकेनिक्स कहा जाता है। तो मेन मैसेज ये है कि अगर आप अपनी बायोमैकेनिक्स को जानते हैं तो डेफिनेटली आपके सामने रिजल्ट है। तो बेसिकली अगर आप इस लेवल पर, जिस लेवल पे अब हैं, शुरुआत है आपकी, ग्रास रूट लेवल है, इस पे अगर आप ये जान जाएंगे कि कौन कौन सी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जिसको आप सुधार लें, तो डेफिनेटली आपकी बड़ी बड़ी इंजरीज का रिस्क आप इसको हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो आपको जैसे अब मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ, कुछ बहुत ही कॉमन, ज़्यादा इस पे हम नहीं जाएंगे अभी, सिर्फ आपको कुछ इंट्रोडक्शन देता हूँ, कुछ गलतियाँ जो करते हैं, बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं जैसे भागने में, तो जिससे आपको पता लगेगा किस तरह से आप बायोमैकेनिक्स आपके काम आती है।
अब हर कोई दौड़ता है हर एक गेम में। अब दौड़ को तेज़ करने के लिए क्या किया जाता है, मोस्टली खिलाड़ी अपने स्ट्राइड को चौड़ा करते हैं, उससे क्या होता है उनकी हील स्ट्राइक करती है। जैसे आप देख सकते हैं इनकी हील धरती पर लग रही है, इससे क्या होता है नीज पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो ये है नया सही तरीका कि आपको कभी भी हील के ऊपर लैंड नहीं करना है। जब आप दौड़ रहे हैं तो आपकी जो फ्रंट पोर्शन है पैर का, उसको बड़े आराम से नीचे सॉफ्ट लैंडिंग करते हुए आप देखिए साइड में से कितने आराम से ये एथलीट सही बायोमैकेनिकल टेक्निक को यूज़ करते हुए रनिंग कर रहा है। तो ये आपकी बायोमैकेनिकल करेक्शन आपके सामने मैंने आपके लिए कर दी। आप भी अपना वीडियो बनाएं दौड़ते हुए का और चेक करें कि कहीं आप हील स्ट्राइक तो नहीं कर रहे। अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम में नीज़ की इंजरी हो जाएगी। अभी एक दूसरा एग्जाम्पल है आपके सामने जंपिंग का। अब आप देख सकते हैं इस तरह से, और ये बैड जंपिंग, इन्होंने नीज़ को नॉक किया। ये बहुत ही गलत जंपिंग है जिसमें आपका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, इंजरी होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। अब दो चीज़ें आपके सामने बहुत क्लियरली दिख रही हैं। जब आपने जंप करना है, पूरा मूवमेंट करनी है, हिप की मूवमेंट आप देख सकते हैं, एंगल्स, दीज आर द परफेक्ट एंगल। तो इस तरह से हमें कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके हम मदद से आपको बता पाते हैं कि आपने कौन सी मूवमेंट सही से की और कौन सी बैड। अब ये देख सकते हैं ये पूरा अपने नीज़ को नहीं मोड़ रहे हैं, 117 डिग्री का एंगल, जिसकी वजह से इनको डेफिनेटली नीज़ में इंजरी होगी, इनकी लैंडिंग में प्रॉब्लम है। इस तरह से आपको नहीं करना है, इनको अभी करेक्शन कराई जाएगी और उसके बाद फिर इनका आप फिर से देखेंगे अभी आप जंप। तो इससे आप इस तरह आप अपनी करेक्शंस, अपने बायोमैकेनिकल मूवमेंट्स को ठीक कर पाते हैं। तो ये देखिए अब इन्होंने परफेक्टली लैंडिंग करी जिससे इनकी इंजरी का चांस बिल्कुल कम हो जाएगा। सी, इन्होंने हील स्ट्राइक नहीं की और बॉल ऑफ फुट पे लैंड किया, इसके कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें अगर आप इम्प्रूव कर लेंगे तो आपको डेफिनेटली इंजरी होने का चांस कम होगा और आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली बढ़ेगी, और यही उद्देश्य है बायोमैकेनिक्स साइंस का। तो आप आएँ, टेस्ट करवाएँ और अपनी स्ट्रेंथ को भी जानें और अपने कमियों को भी। अब एक कन्फ्यूजन है बायोमैकेनिक्स और किनेसियोलॉजी में, तो वो मैं आपका दूर करता हूँ। किनेसियोलॉजी भी मूवमेंट ऑफ साइंस है और बायोमैकेनिक्स भी, तो इनमें फ़र्क क्या है? किनेसियोलॉजी एक बड़ी टर्म है, यानी किनेसियोलॉजी मूवमेंट ऑफ साइंस तो है लेकिन इसमें सारी साइंसेज आती हैं, बायोमैकेनिक्स, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, सब आता है। लेकिन बायोमैकेनिक्स क्या है? वो फिजिक्स से जो डील करती है, जो मैकेनिक्स के प्रिंसिपल को यूज़ करती है, वो बायोमैकेनिक्स है। अंतिम चरण में, लास्ट फेज ऑफ दिस वीडियो, जिसमें आपको पता लगे कि टर्मिनोलॉजी, रेफरेंस टर्मिनोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टैंडर्ड पोजीशन है जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं, उसे कहा जाता है एनाटॉमिकल पोजीशन। तो ये देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ स्टैंडर्ड रेफरेंस टर्मिनोलॉजी, जो एक भाषा है हमारे बीच में इंटरेक्ट करने के लिए साइंस में। जैसे हमें दो लोगों से बात करने के लिए लैंग्वेज चाहिए, उसी तरह बायोमैकेनिक्स में हमें एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए कुछ टर्म्स हैं, वो हमें पता होनी चाहिए, वो आपको पता लगेंगे। जब वो आपको बताएं तब आप बता पाएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आता है इसमें एनाटॉमिकल पोजीशन। अब ये आपको बताएंगे एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसके में आप खड़े रहते हैं, आपके हाथ सामने फेस करने चाहिए, फुट सामने, और आपने सामने फेस करना है। इस पोजीशन में जब है तो ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन है। अगर आपको कोई स्टार्टिंग पोजीशन चाहिए तो इसको हम तभी आप कंपैरिजन कर पाएंगे अपने डिफरेंसेस का, स्ट्रेंथ्स का। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर हम अब राम खिलाड़ी है और एक श्याम खिलाड़ी है, हमने दोनों को कंपेयर करना है मूवमेंट्स को, तो हमारे को पास एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, एक स्टैंडर्ड स्टार्टिंग पॉइंट जिस पे हम शुरुआत करें कि दोनों एक जैसे खड़े हैं, उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे। तो वो एक तर पे लाने के लिए हमें एक पोजीशन चाहिए, उसको कहते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन, और वो जो आपने अभी देख ली। उसके बाद आती हैं डायरेक्शनल टर्म्स, जिससे हम डिफरेंट पार्ट्स को पिन पॉइंट कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये है एनाटॉमिकल पोजीशन जिसमें आपने स्टार्टिंग में करना है, जिसमें आपका फेस फॉरवर्ड है, आर्म साइड पे सीधी, और फिट आपके पैर भी सामने। अब सुपीरियर क्या है? सुपीरियर जो हम कहते हैं, सुपीरियर मतलब टुवर्ड्स द हेड, और इन्फीरियर क्या है? टुवर्ड्स द फीट। उसी तरह एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर क्या है? आगे की तरफ, और पोस्टीरियर क्या है? पीछे की तरफ। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अभी एंटीरियर व्यू यानी आगे का व्यू, और पोस्टीरियर व्यू यानी आपके पीछे की बॉडी का व्यू। तो इसी भाषा में बात की जाती है बायोमैकेनिक्स में, एंटीरियर व्यू, पोस्टीरियर व्यू।
और इनका एडवांटेज यही है कि आप बता पाते हैं इजीली। अब ये मीडियल और लेटरल की बात है। मीडियल क्या है? ये आपके बीच में अगर मिडलाइन करते हैं तो जो ऑर्गन मीडियल लाइन के पास है उसको मीडियल कहा जाता है, और जो दूर की तरफ है वो लेटरल है। उसी तरह आपके ट्रंक को लेकर प्रॉक्सिमल और डिस्टल डिसाइड किया जाता है। जो ट्रंक की तरफ है बॉडी पार्ट उसको प्रॉक्सिमल कहा जाता है, और जो ट्रंक से दूर है उसको डिस्टल कहा जाता है। तो ये अलग अलग लोकेशंस को पिन पॉइंट करने के लिए, देखिए प्रॉक्सिमल टुवर्ड्स द ट्रंक एंड डिस्टल ट्रंक यानी आपके पेट उससे दूर है तो उसको हम डिस्टल कहा जाते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं एनाटॉमिकल रेफरेंस प्लेन्स के बारे में। प्लेन्स क्या है? इमेजिनरी लाइंस हैं जिसमें हमने अपने आप को डिवाइड किया है ताकि हम मूवमेंट्स को डिफाइन कर सकें आसानी से। तो सबसे पहले आता है सेजिटल प्लेन। अब सेजिटल प्लेन की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है? सिंपल शब्दों में ये है कि एक इमेजिनरी प्लेन है। अब ये देखिए, जैसे ये एक, मैंने इसको आप समझिए कि प्लेन एक कार्ड है। अब मैं सेजिटल प्लेन आपको डेमोंस्ट्रेट करने वाला हूं कि जैसे ये प्लेन अगर मैं यहां से अंदर घुसा दूं अपने अंदर पूरा यहां से आर पार, तो मैं दो पीसेस में कट जाऊंगा और ये मेरे आर पार हो गया। अब इसने, इस प्लेन ने लेफ्ट और राइट में मेरी बॉडी को अलग अलग कर दिया। तो जो प्लेन आपकी बॉडी को लेफ्ट राइट में काट दे, अलग अलग कर दे, उसको कहा जाता है सेजिटल प्लेन। सबसे पहले सेजिटल प्लेन, ये वो प्लेन है जो आपकी बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में। ये देखिए, अगर हम बीच में से चीर लगाएं तो अभी आपको दिखाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल बीच में से डिवाइड किया हुआ है। और इसमें मूवमेंट्स कौन सी होती हैं? फॉरवर्ड और बैकवर्ड, क्योंकि यही मूवमेंट है जो आपके पैरेलल है। सी, ये सब मूवमेंट्स आपके सेजिटल प्लेन में हुए जिसने आपके बॉडी पार्ट, आपकी बॉडी को लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड कर दिया है। ये देखिए, फ्रंट एंड बैकवर्ड मूवमेंट्स। आप बाइसेप कर्ल भी करते हैं, उसमें भी आप फ्रंट बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हैं, ये भी इसी के अंदर आएंगे क्योंकि ये उस प्लेन के पैरेलल है। अब ये कार्ड अगर मैं अपने ऊपर से लेके पूरा अपने आप को स्लाइस कर दूं, तो मतलब हमारे सेंटर से लेके पूरा काट रहा है, यहां से अंदर घुसा हुआ, आगे का भाग काट दिया और पीछे का स्लाइस कर दिया। तो इस ये प्लेन जो हमारे बॉडी पार्ट को फ्रंटल और पोस्टीरियर में डिवाइड कर दे, उसको कहा जाता है फ्रंटल प्लेन। अब ये जो प्लेन अंदर घुसा हुआ है तो इसके पैरेलल में सिर्फ साइड वाली मूवमेंट्स हो सकती हैं। टाटा साइड, बाजू अगर मैंने ली है तो वो अडक्शन अबडक्शन, ये आपको अभी क्लियर होगा। तो इसमें साइड मूवमेंट आती है ज्यादातर। फ्रंटल प्लेन में जो अगर आपका वो प्लेन है जो आपकी बॉडी को आगे और पीछे काटता है, ये बिल्कुल सेंटर में से पास होगा और इसकी आप वर्टिकली, जिससे आपकी बॉडी आगे और पीछे डिवाइड हो जाएगी। ये देखिए, आप व्हाइट वाला प्लेन देखें, इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया। और इसमें मूवमेंट कौन सी होती है? साइडवेज वाली, जो साइडवेज है इससे पैरेलल साइड वाली मूवमेंट जितने भी हैं। तो मैं मूवमेंट्स के नाम अभी आपको आगे बताऊंगा, अभी आप मूवमेंट देख लें। अब ये साइडवेज मूवमेंट करके दिखाएंगे जो कि फ्रंटल प्लेन में हो रही है। देखिए, साइड में इनकी बाजू ऊपर नीचे हो रही हैं, साइड में लेग्स ऊपर नीचे हो रही हैं, साइडवेज मूवमेंट हो रही है। तो जितने भी साइडवेज मूवमेंट हैं हमारी बॉडी की, वो सब फ्रंटल प्लेन में आती हैं। इसको अबडक्शन अडक्शन कहा जाता है, लेग्स की और आर्म्स की कर रहे हैं फटाफट, वो मैं आपको क्लियर करूंगा आगे फिर से। अब ये ट्रंक को साइडवेज घुमा रही हैं, लेफ्ट राइट, तो ये भी साइड वाली मूवमेंट है, ये भी फ्रंटल प्लेन में आती है। तो इस तरह जितने भी साइडवेज वाली मूवमेंट है हमारी, वो सब फ्रंटल प्लेन में आएंगी। और अब तीसरा प्लेन, अगर मैं बिल्कुल अपने ट्रंक से, जैसे ट्रंक मेरा थोड़ा नीचे है तो मैं बैठा हूं, तो मैं यहीं से आपको नेम्स करता हूं कि अगर मैं ये अपने अंदर से ट्रंक, इसमें ये ट्रंक है और यहां से इसको अंदर ले गया, तो अपर और नीचे वो प्लेन जो मेरे बॉडी पार्ट्स को ऊपर और नीचे दो भागों में डिवाइड कर देता है, उसे कहते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रांसवर्स प्लेन, ये वो प्लेन है जो आपकी बॉडी को ऊपर और नीचे ट्रांसवर्सली हॉरिजॉन्टली काटता है, ऊपर और नीचे, और ये बिल्कुल सेंटर से निकलता है लाइक दिस। अब इसमें क्या है?
इसके पैरेलल जो मूवमेंट होंगी वो रोटेशन मूवमेंट्स होंगी, घुमावदार। सारी रोटेशन वाली मूवमेंट जैसे आप गर्दन घुमा रहे हैं, ट्रंक को घुमा रहे हैं, सब इस प्लेन में होने वाली है। तो जितने भी रोटेटरी मूवमेंट्स हैं वो सभी ट्रांसवर्स प्लेन में की जाती हैं। अब जैसे ये बाजू को हिला रही हैं, सी बिल्कुल उनके पैरेलल है, रोटेशन कर रही हैं, दिस इज योर रोटेशनल मूवमेंट। अब ये ट्रंक भी हिला रही हैं साथ में, रोटेट कर रहा है, और वो रोटेशन आपके ट्रांसवर्स प्लेन के पैरेलल है। तो जितनी भी रोटेटरी मूवमेंट्स हैं वो सब इस प्लेन में होती हैं। अब हम आपसे बात आपको बताएंगे एक्सिस के बारे में, वो प्लेन्स थे। अब प्लेन्स और एक्सिस में आप कन्फ्यूजन मत करें, बेसिकली ये आपस में ऑपोजिट हैं। जैसे अगर आपका सेंसर प्लेन है तो उसमें फ्रंटल एक्सिस होगा जो उसके बीच में से पार करेगा परपेंडिकुलर, अगर आपका ट्रांसवर्स प्लेन है तो उसमें वर्टिकल एक्सिस आएगा, और उसी तरह अगर आपका फ्रंटल प्लेन है तो उसमें सेजिटल एक्सिस आएगा। ये थे आपके रेफरेंस और प्लेन्स। अब ये हमने क्यों डिवाइड किए हैं, इनका एक कारण है। अब हमें मूवमेंट्स के बारे में आपको बताना है। ये जो मूवमेंट्स हैं डिफाइन की गई हैं आपके प्लेन्स के ऊपर, कि फ्रंटल प्लेन में कौन सी मूवमेंट्स होनी है, सेजिटल प्लेन में कौन सी मूवमेंट्स होनी है, ट्रांसवर्स प्लेन में कौन सी मूवमेंट्स होनी है। तो सबसे पहले मैं आपको की मूवमेंट्स बताने वाला हूँ, कि जो हमारा सबसे पहले जो प्लेन आया था सेजिटल प्लेन, जिसने हमारे को लेफ्ट राइट में डिवाइड किया था। तो लेफ्ट राइट में मैंने आपको बताया था ये प्लेन के आगे पीछे वाली मूवमेंट्स होंगे, तो इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, आगे या पीछे। जैसे आप बाइसेप कर्ल्स कर रहे हैं तो ये मूवमेंट इस प्लेन के पैरेलल है, आगे पीछे हो रहा है, और ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करेंगे की मूवमेंट्स इन सेजिटल प्लेन। सबसे पहले फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की बात सबसे पहले की जाएगी। अब आर्म के ऊपर आते हैं, फ्लेक्शन वो है जब आप एंगल को छोटा करते हैं तब उसे कहते हैं फ्लेक्शन की गई है। सिमिलरली जब आप बाजू को सीधा करते हैं तो एंगल बढ़ता है, उसको कहा जाता है एक्सटेंशन। सिमिलरली नी जॉइंट के ऊपर आप देखें, फोकस करें, जब इन्होंने एक्सटेंड किया अब एंगल बढ़ गया, इसको कहा जाता है एक्सटेंशन। और जब ये नी को फ्लेक्स करेंगे यानी मोड़ेंगे, एंगल छोटा करेंगे, तो ये होगी फ्लेक्शन। सो इस तरह से हम इसको कहा जाता है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। उसी तरह अब हम हिप जॉइंट पर आपको बताते हैं, हिप जॉइंट पर जब एंगल कम होगा तो उसको फ्लेक्शन कहा जाएगा। आप देखिए जैसे ऊपर किया मोड़ा तो ये फ्लेक्शन हुई, इसे कहा जाता है हिप फ्लेक्शन। उसी तरह जब सीधा करेंगे और उसको बियॉन्ड ले जाएंगे, एंगल बढ़ाएंगे, जैसे ये आप करके दिखाएंगे, ये है आपकी हिप एक्सटेंशन। फोकस ऑन हिप जॉइंट, अभी पीछे जगह जा रही हैं तो वो एंगल बढ़ रहा है हिप जॉइंट के ऊपर, इसको कहा जाता है एक्सटेंशन एट हिप जॉइंट, एंगल बढ़ा। शोल्डर पे बात कुछ अलग है, इसमें हम एंगल को छोड़कर एनाटॉमिकल पोजीशन पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले शोल्डर फ्लेक्शन या आर्म फ्लेक्शन, जब हम आर्म्स को एनाटॉमिकल पोजीशन से दूर लेके जाएंगे तो उसको कहा जाता है फ्लेक्शन, और जब वापस एनाटॉमिकल पोजीशन पर लेके आते हैं उसे कहा जाता है एक्सटेंशन, और जब आप बिल्कुल उसके पीछे जाते हैं बियॉन्ड एनाटॉमिकल पोजीशन उसको कहा जाता है हाइपर एक्सटेंशन। तो ये तीन मूवमेंट्स फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट्स अगेन शोल्डर की हैं सेजिटल प्लेन में। अब एक पिक्चर के रूप में आप देखें, फ्लेक्शन एनाटॉमिकल पोजीशन से दूर, सेकेंड एक्सटेंशन बिल्कुल वहीं पर एनाटॉमिकल पोजीशन पर, और हाइपरटेंशन बियॉन्ड दैट। अब फुट की मूवमेंट्स बताते हैं, उसको कहा जाता है डोर्सीफ्लेक्शन एंड प्लैंटर फ्लेक्शन। डोर्सीफ्लेक्शन होता है जब आपका पैर फ्लोर से ऊपर की तरफ मुड़ता है, और प्लैंटर फ्लेक्शन जब आप पैर को नीचे की तरफ मुड़ते हैं। तो ये देखिए डोर्सीफ्लेक्शन ऊपर की तरफ, प्लैंटर फ्लेक्शन फ्लोर की तरफ नीचे की तरफ। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट्स हमारी होती हैं सेजिटल प्लेन में। अब हम बात करेंगे फ्रंटल प्लेन में, जिसमें साइडवेज मूवमेंट होती है। इसमें जैसे अबडक्शन अडक्शन, अबडक्शन अडक्शन, अबडक्शन मतलब आपको होता है पकड़ना, पकड़ के खींचना, अबडक्ट करना। तो ये जब आप दूर जा रहे हैं अबडक्शन, और जब पास आ रहे हैं अडक्शन, अबडक्शन अडक्शन। उसी तरह अगर मैं अपना ऊपर पार्ट ट्रंक को साइडवेज घुमाता हूँ ऐसे ऐसे, सो दिस इज ऑल्सो योर फ्रंटल प्लेन साइडवेज मूवमेंट। उसी तरह मैं अगर लेग को करता हूँ, और ये सब कुछ एग्जांपल्स आपको और पता लगेंगी, और ये मोस्टली सब होते हैं साइडवेज वाले। अब आते हैं हम फ्रंटल प्लेन मूवमेंट्स के ऊपर, जो कि दूसरा प्लेन है। इसमें मेन मूवमेंट आती है अबडक्शन और अडक्शन।
तो सबसे पहले आर्म की बताएंगे। अबडक्शन का मतलब होता है कुछ लेके जाना, यानी आर्म को दूर लेके जाना, ये होगी अबडक्शन। और जब वापस लेके आए अडक्शन। उसी तरह थाई के ऊपर जब हम लेग से करेंगे, दूर लेके जाना थाई अबडक्शन, और वापस उसको मिडलाइन की तरफ लेके आना अडक्शन। तो ये लेग की अबडक्शन अडक्शन है। अब ट्रंक को जब हम साइडवेज में घुमाते हैं तो ये देखिए लेटरल फ्लेक्शन कहा जाता है, लेटरल फ्लेक्शन राइट, लेटरल फ्लेक्शन लेफ्ट, क्योंकि ये साइडवेज मूवमेंट्स अभी होती हैं फ्रंटल प्लेन में, तो ये भी साइडवेज मूवमेंट है ट्रंक की। लेटरल फ्लेक्शन लेफ्ट, लेटरल फ्लेक्शन राइट, तो ये है आपका लेटरल फ्लेक्शन। आप करते हैं अल्नर डेविएशन और रेडियल डेविएशन, ये हाथों की मूवमेंट है फ्रंटल प्लेन में। जैसे हम बाय बाय करते हैं, अल्नर डेविएशन मतलब राइट की तरफ लेके जाएंगे अल्ना की तरफ, और रेडियल डेविएशन मीन रेडियस की तरफ लेके जाएंगे। और अब हम पैरों की बात करते हैं फ्रंटल प्लेन में, इवर्जन इन्वर्जन, ये है अंदर की तरफ इन्वर्जन और आउटर की तरफ इवर्जन, इन्वर्जन एवर्जन, इन्वर्जन एवर्जन। ये देखिए एवर्जन मतलब बाहर की तरफ मूवमेंट, और इन्वर्जन मतलब अंदर की तरफ मूवमेंट। ये है फ्रंटल प्लेन की मूवमेंट पैर की। तो इस तरह से ये टर्मिनोलॉजीज हैं। लास्ट जो प्लेन है वो है ट्रांसवर्स प्लेन, जिसने हमारे बॉडी पार्ट को ऊपर और नीचे काटा था। इसमें रहते हैं घूमने वाली रोटेशनल मूवमेंट्स, जैसे आप अपना सिर हिला रहे हैं, अपना ट्रंक हिलाएंगे ऐसे से, देख रहे हैं? और कुछ और एग्जांपल्स आपके सामने। अब हम आते हैं लास्ट प्लेन पे, ट्रांसवर्स प्लेन जो तीसरा है। इसमें बेसिकली रोटेशन मूवमेंट्स होती हैं। सबसे पहले हम करेंगे नेक हेड की रोटेशन की बात, चाहे आप नेक बोलें इसको, हेड बोलें, आपका मूवमेंट हो रही है, रोटेशन कर रहे हैं, ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट घुमाया जा रहा है। और इस जो भी इतने भी रोटेशन होते हैं इसी प्लेन में मानी जाती हैं। ये है आपकी नेक रोटेशन, इसको हेड रोटेशन भी कह सकते हैं। इस तरह ट्रंक भी अगर आप रोटेट करते हैं, ट्विस्ट करते हैं जैसे डांस में, तो वो भी एक तरह का रोटेशन है। अब आते हैं हम लेग के ऊपर। लेग की रोटेशन भी दो तरह से है, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल है जब आप मिडलाइन की तरफ जा रहे हैं, एक्सटर्नल बाहर की तरफ, ये इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल को मीडियल भी कहा जाता है और एक्सटर्नल को लैटरल भी। इंटरनल एक्सटर्नल मीडियल लैटरल, तो ये रोटेशन है आपकी लेग की। अब ये देखिए पिक्चर में क्लियर हो जाएगा, मीडियल मतलब अंदर की तरफ इंटरनल, और लैटरल मतलब बाहर की तरफ एक्सटर्नल। इस तरह हिप की रोटेशन भी इस तरह में कर सकते हैं। तो ये मूवमेंट्स थी ट्रांसवर्स। अब आते हैं फोर आर्म के ऊपर। इसमें इसको कहा जाता है सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। जब आप ऊपर की तरफ घुमाते हैं सुपिनेशन, नीचे की तरफ प्रोनेशन, सुपिनेशन प्रोनेशन सुपिनेशन। तो इस तरह से ये मूवमेंट डिस्क्राइब किया। फ्रेंड्स, अपनी बारबिकन इसको जाने, टेस्ट करवाएं। और सबसे सिंपल चीज है, आप अपने मूवमेंट्स का वीडियो रिकॉर्डिंग करें और फिर उसको कंपेयर करें, देखें, देखने से ही काफी पता लग जाता है। तो इस तरह से बायोमैकेनिक्स आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस करते हैं।